हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सी के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को। जैसे कि एक हमारे पास फैक्ट ये है कि बिना कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ किए किस तरह से सी में हम प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हम प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सी वी कैन यूज़ लेस देन एंड परसेंट इन प्लेस ऑफ ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एंड परसेंट ग्रेटर देन साइन इन प्लेस ऑफ क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। यानी अगर आप मंजिला ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं ओपनिंग वाला, तो आप उसकी जगह लेस देन परसेंट यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर क्लोजिंग ब्रैकेट यूज़ करते थे मंजिले वाला, उसकी जगह पर हम परसेंट ग्रेटर देन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल सी का, सो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट हमें यूज़ करना पड़ रहा है। एंड एवरीबडी नोज, जिन्होंने भी सी पढ़ी उन्हें पता है कि ये कर्ली ब्रैकेट लगाना जरूरी है मेन के बाद, वरना प्रोग्राम काम ही नहीं करता है। तो ऐसा क्या हो कि हम कर्ली ब्रैकेट ना यूज़ करें, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं लेस देन परसेंट। ये ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट था, क्लोजिंग को एज इट इज़ रखा एक बार हमने, सेव करा एंड एग्जीक्यूट कर दिया। फाइन गाइस, इसी तरह से ये जो क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है, इसकी जगह हम परसेंट ग्रेटर देन का साइन यूज कर सकते हैं। सॉरी, आइए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फाइन गाइस, तो जहां भी आप ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट लगा रहे थे प्रोग्राम में, वहां लेस देन परसेंट यूज कर सकते हो। जहां पे क्लोजिंग ब्रैकेट लगा रहे थे कर्ली ब्रैकेट, वहां पे परसेंट ग्रेटर देन का साइन यूज कर सकते हो। दूसरा जो हमारा फैक्ट है वो ये है कि जो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं स्पेशली एरेज वगैरह के साथ में, तो स्क्वायर ब्रैकेट जो ओपनिंग है उसकी जगह हम लेस देन एंड कॉलन का साइन यूज कर सकते हैं, और जो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं कॉलन और ग्रेटर देन के साइन से। आइए देखते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक एरे बनाना था हमें एक्स दो एलिमेंट का, तो हम इस तरीके से लिखते हैं इसे। एंड सपोज दैट यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ एक्स जीरो एंड एक्स वन की वैल्यू को। फाइन गाइज, अब नाउ एक्स जीरो पे हमने असाइन कर दिया एक बार 100 एंड एक्स वन पे हमने असाइन कर दिया 200 एंड इन वैल्यूज को हमने प्रिंट किया। फाइन, अब जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है वो अगर हमें नहीं लगाने हैं, तो यहाँ पे हम लेस देन कॉलन यूज़ करेंगे ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट की जगह। वर्किंग फाइन, थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा देखने में, लेकिन बिल्कुल लेजिटिमेट है, लीगल है सी में। एंड क्लोजिंग जो ब्रैकेट था उसकी जगह लगा दिया हमने स्क्वायर ब्रैकेट की जगह कॉलन एंड ग्रेटर देन का साइन। वर्किंग फाइन, जहाँ पे भी आप यूज़ करते सभी जगह यूज़ कर सकते। जैसे क्लोजिंग ब्रैकेट था स्क्वायर ब्रैकेट, तो कॉलन ग्रेटर देन। एंड सपोज दैट इसमें मैं ओपनिंग चेंज कर देता हूँ लेस देन कॉलन। फाइन, गॉट इट। इवन ये भी हम रिप्लेस कर देते हैं, जैसे दिस इज ऑल्सो लीगल। फाइन गाइज, तीसरा जो अमेजिंग फैक्ट है, मैं पहले भी पुराने वीडियो में भी बता चुका हूँ, हालांकि ये फिर भी एक बार देख लेते हैं। वी कैन यूज इंडेक्स ए आर आर इन प्लेस ऑफ ए आर आर इंडेक्स। नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, पहले एरे का नाम लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या करा था, x जीरो पर असाइन किया था 100, उसकी बजाय हम ऐसा भी लिख सकते थे जीरोथ ऑफ x इक्वल टू 100। परफेक्टली लीगल है। यहाँ पर x जीरो को प्रिंट करा रहे थे, x वन को प्रिंट करा रहे थे, इसकी बजाय हमने वन ऑफ x प्रिंट करा दिया, दैट इज ऑल्सो लीगल। फाइन, इवन यहाँ जो हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉलन ग्रेटर देन, इसकी जगह हम लिख सकते हैं लेस देन एंड कॉलन का सिंबल। सो गाइज, आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरह से हम ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट को लेस देन परसेंट से रिप्लेस कर रहे हैं, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट को परसेंट ग्रेटर देन से रिप्लेस कर रहे हैं, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट को हम रिप्लेस कर सकते हैं लेस देन कॉलन से, क्लोजिंग को हम रिप्लेस कर सकते हैं कॉलन ग्रेटर देन से, एंड जो ए आर आर आई हम लिखते थे उसको हम लिख सकते हैं आई ऑफ ए आर आर। सो गाइज,
होप सो कि आप लोगों को ये अमेजिंग फैक्ट वाला वीडियो अच्छा लगेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. थैंक्स अ लॉट.